70 पे बात किया, बोला ये राशन वाला है, अब वहाँ का नंबर लो रियासी का। वहाँ मुझे नंबर दिया, मैंने वहाँ बात किया, उन्हें बोला ये कंट्रोल रूम का नंबर है, यहाँ लो इन पे बात करो। मैं फोन लगाता रहा पूरा दिन, किसी ने फोन नहीं उठाया। हम सिर्फ घर जाने के लिए कहते थे उनसे। रियासी में कहाँ आप रहते? वार्ड नंबर 7 में रहते हैं। तो बस हमारी यही एक गुजारिश है, हमको घर भिजवा दीजिए, हमको ना राशन चाहिए ना कुछ चाहिए, हम घर जाएंगे। हमको साइकिल का परमिशन दे दीजिए या किसी तरह से भिजवा दीजिए, बस यही डीसी साहब। आपके साथ कितने लोग और हैं जो घर जाना चाहते? 10 बंदे हैं, सबके नाम है, सबका नंबर है, सबके बाप का नाम। मैंने पटवारी को भी लगवाया 2 बार, इंक्वायरी कर गए, ले गए। जब घर जाने की बात आप करते हैं अधिकारियों से, तो उनका क्या कहना रहता है? घर जाने अधिकारी के पास हम कभी पहुंचे ही नहीं। हमसे पटवारी ने लिखा, बोला तुम्हारा घर जाने का परमिशन बनवा रहे हैं, पहुंच जाओगे आप लोग। ठीक है, हमने कहा ठीक है भाई, फिर एक बार लिख गए, फिर दोबारा लिख गए, लेकिन कोई बात नहीं, दिलासा ही मिलती है, भेजते नहीं है। हम चाहते हैं हमको साइकिल से भेज दो, परमिशन बना दो। इस हिसाब से मेरा यही निवेदन है, हाथ जोड़ के हमको घर भेज दो, हमको खाना नहीं चाहिए। बंद कर देंगे रास्ते में, फिर बताए घर पहुंच पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे, यही डर से हम घर नहीं निकल पा रहे। घर जाने की आप मांग कर रहे हैं? हाँ, घर जाने की मांग। यहाँ पे आपको राशन मिला है? राशन मोहल्ले वालों की तरफ से राशन मिला है, मतलब यही दिया था एक बार, 1/2 किलो तेल और 5 किलो चावल, आटा, 20 किलो चावल और नमक का पैकेट मिला था हमको एक बार। प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं, कोई एक बार भी नहीं पूछने आए। डी तो बोला कि भी राशन का जरूरत और पड़ेगा, तो बेटा जुगाड़ करेंगे। उन्हें उनको फोन भी लगाया, उन्होंने फोन उठाया नहीं, कल भी लगाया था परसों, फोन उठाया नहीं। फिर वहाँ से फिर हम लोग डीसी ऑफिस गए, वहाँ भी हमको मिलने नहीं दिया। आप कहाँ रहते हो? इधर रामगढ़ी 4 नंबर। डीसी ऑफिस में गए थे, क्या हुआ वहाँ पे? मिलने ही नहीं दिया, बोलता है मैडम आने वाले लेट है, लेट में आएंगे, जाओ यहाँ से भागो, पारा के पास जाओ, उधर तानिया मैडम रहती है वार्ड नंबर 5 में, उनसे हम लोग फोन कर दिया। किसने बोला? तो ऐसा करो, बाकी जो आपने बात करनी है, आपका लीडर होगा जो भी इनमें से, बात करने वाले आप, बात करने वाले सबकी तरफ से एक आदमी बात करेगा। जी सर, मेरा नाम शिव कुमार चंद्रा, मैं छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा जिला का निवासी हूँ। हमारे को लॉकडाउन हुआ है भारत में, तब से एक ही बार राशन मिला है और उसके बाद मिला ही नहीं है, और छोटे छोटे लॉकडाउन हुआ है तब से काम पूरा बंद पड़ा है। जब जाते हैं तो तहसीलदार के पास जाओ, बोलता है पटवारी सर्वे करेगा, अभी तक हमारे मोहल्ले में एक बार भी सर्वे नहीं हुआ। गया तो बोलता है अपने पार्षद के पास जाओ, गया था, पहली एक ही तारीख को राशन मिला है, उसके बाद न तो राशन है न तो कुछ नहीं। राशन में मिला तो आटा चावल और तेल, नमक, आलू, दाल, बाकी सर्फ, साबुन, तेल, चाय पत्ती, ये भी तो यूज करना है। अगर किसी का तबीयत खराब हो गया, दवाई भी लो, मेडिकल खुला है, वो बात नहीं है, पर उसके लिए पैसे जरूरी हैं। मैडम से मिलना है, हमने घर वापसी, अगर यही हमको अच्छा रखना चाहता है सरकार तो भी खुश है, लेकिन हमको राशन पानी की मुहैया कराया जाए। तो रियासी में कहाँ रहते हैं और क्या आपका मुद्दा है? रियासी में हम पेंट का काम करते हैं, तो बोल रहे हैं इधर राशन मिल रहा है फ्री में, तो उसके लिए। तो इससे पहले आपको राशन कितनी बार मिला? राशन मिली थी 1 महीने पीछे, मिला था, वो खत्म हो गई, खा गए। एक ही बार मिला या ज्यादा? एक ही बार।